वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खोज गुरबाणी में आप सब का स्वागत है जी। सबनों जी आया जी। आओ असी सारे मिल के पहला शब्द का उच्चारण तो उस उपरंत उसके अर्थ करांगे। अज 123वें शब्द की वारी है जी। गौड़ी मल्ला पंजवा ऐसो परचो पायो, करी कृपा दयाल बीठले सतगुरु मुझे बतायो रहाओ। ऐसो परचो पायो, करी कृपा दयाल बीठले सतगुरु मुझे बताओ रहाओ। जत खत देखियो तत तत तुम ही, मोए विश्वास होए आयो। कैपे करो अरदास बेनती, जो सुनतो है रगरायो। लेओ सहसा बंधन गुर तोरे, ता सदा सहज सुख पायो। होना सा फोई फुन होसी, सुख दुख कहाँ दिखायो। खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा, गुर पर्दा खोल दिखायो। खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा, गुर पर्दा खोल दिखायो। नौ निध नाम निदान एक ठाई, तो बार के ठह जायो। एक कनक अनेक पात साजी, बहु प्रकार रचायो। कौ नानक परम गुर खोई है, इव तत्ते तत् मिलायो। एक कनक अनेक पात साजी, बहु प्रकार रचायो। कौ नानक परम गुर खोई है, इव तत्ते तत् मिलायो। इस शब्द विच गुरु जी कहिंदे हन कि गुरमुखो, दयाल परमेसर ने मेरे उत्ते अपनी मेहर कृपा कीती है जी, अते मैनू गुरशब्द गुरबाणी नाम सिमरन द्वारा सतगुरु का पता मैनू दस दिता है जी। फिर गुरु जी कहते हैं गुरशब्द गुरबाणी नाम सिमरन द्वारा मैनू निश्चय भरिया ज्ञान प्राप्त हो गया है जी। भाव मैनू अपने परमेसर ते पूरा भरोसा है जी। फिर गुरु जी कहते हैं हे परमेसर, मैं जिधर भी जिथे किथे भी वेखदा हाँ जी, उत्थे उत्थे ही तुसी हर जगह हाजर नाजर दिसते हो जी। पा हे सिरजनहार परमेसर, तू हर एक दे अंदर हर जगह नज़र आते हो जी। फिर गुरु जी कहते हैं मैनू ये पक्का विश्वास भाव भरोसा हो गया है जी कि मैं होर किसी अगे क्यों अरदास बेनती करा जी। फिर गुरु जी कहते हैं जबकि परमेसर आप ही मैनू गुरशब्द गुरबाणी नाम सिमरन द्वारा मेरी बेनती अरदास सुन रहा है जी। फिर गुरु जी कहते हैं गुरमुखो, जद गुरु ने गुरशब्द गुरबाणी नाम सिमरन द्वारा मेरे सारे संसे भाव सारे परम रूपी बंधन होमे विकार तोड़ दिते हैं जी, खत्म कर दिते हैं जी, अते मेरे सारे संसे परम दूर हो गए हैं जी। फिर गुरु जी कहते हैं मैं सदा लई गुरशब्द गुरबाणी नाम सिमरन द्वारा अडोल अवस्था सहज अवस्था का सुख प्राप्त कर लिया है जी। फिर गुरु जी कहते हैं हुण मेरा ये भरोसा ते यकीन है जी कि जो कुछ होना है उही कुछ होवेगा जी। भाव जो कुछ हो रहा है वह तेरे भाणे विच ही हो रहा है जी। फिर गुरु जी कहते हैं इस विच कोई दखल नहीं दे सकता जी। फिर दसो दुख सुख कित्थे है जी, मैनू दिखाओ जी। भाव सुख दुख जीवन दे एक हिस्सा है जी, और वो सब परमेसर दे हुकम विच ही हो रहा जी। फिर गुरु जी कहते हैं गुरशब्द गुरबाणी नाम सिमरन द्वारा
परमात्मा दुख सुख तो मुक्त हो जाएगा। परमात्मा सानू सुख दुख तो मुक्त कर देता है जी। भाव कुरशब्द गुरबाणी नाम सिमरन द्वारा परमेसर के हुक्म की समझ आने नाल सानू ये सोझी होंगी है जी कि ये जो कुछ भी दुख सुख जिंदगी दे हाँ जी वो परमेसर का ही दिते हुए हैं जी अते ओ दे हुकम विच ही ये सब कुछ हो रहा है जी। फिर गुरु जी कहते हैं गुरमुखो गुरशब्द गुरबाणी नाम रूप गुरु ने मेरे हौमे दे पर्दे विकारा दे पर्दे खोल के विकार खत्म करके मैनू ये विखा दिता है जी कि सारे खंडा ते ब्रह्मंडा दा भाव इस सृष्टि दा इको ठाणा भाव इको टिकाणा है जी। भाव मालक वाहिगुरु सिरजनहार आप है जी। फिर गुरु जी कहते हैं नौ निध निधान भाव नौ निधियां वाले गुरशब्द गुरबाणी नाम रूपी सिमरन खजाने दा इको ठावी भाव इको ठिकाणा है जी। फिर गुरु जी कहते हैं जो के साढ़े हिरदे दे अंदर है जी। फिर गुरु जी कहते हैं किस लई बाहर केड़ी थां ते जा के इस नू वेखिए जी ये बाहर जाण दी तो फिर दौड़ मुक गई है जी खत्म हो गई है जी। क्यों? क्योंकि वो साढ़े अंदर ही है जी वो टिकाणा साढ़े हिरदे दे विच है जी। फिर गुरु जी कहते हैं गुरमुखरो जिस तरह सुनियारे ने एको कनक एके कनक भाव कनक भाव सोना एक सोने तो जिस तरह सुनियारा कई अनेक प्रकार के गहनों की बनतर बनाता है गहने बनाता है जी। फिर गुरु जी कहते हैं इस तरह परमेसर ने एक जोत तो अनेक प्रकार की सृष्टि रच दिती है जी। ये सारी सृष्टि परमेसर ने एक जोत तो रची है जी। फिर गुरु जी कहते हैं गुरशब्द गुरबाणी नाम रूप गुरु ने मेरा परम दूर कर दिता है जी। फिर गुरु जी कहते हैं इस तरह तत् आत्मक जोत नू तत् परमात्मक जोत नाल मिला दिता है जी। जिस तरह असी कहने हैं ये आत्मा परमात्मा का अंश है अते ओ गुरशब्द गुरबाणी नाम सिमरन द्वारा अपने हर मूल नाल जुड़ गई है जी। आओ इस शब्द का सार इस तरह करिए जी। इस शब्द की इस पंक्ति विच गुरु जी दसते हैं ऐसो परचो पायो ऐसो परचो पायो भाव गुरशब्द गुरबाणी नाम सिमरन द्वारा मेरे ते परमेसर ने अपनी मेहर दयालता कृपा कीती है जिस रूप मैनू अपने हिरदे अंदर बैठे परमेसर दी गुरशब्द गुरबाणी नाम सिमरन द्वारा सोझी हो गई है जी पहचान हो गई है जी कि ओ मेरे हिरदे दे अंदर ही है जी बाहर कितरे उसनू ढूंढन जाण दी जरूरत नहीं है जी। फिर गुरु जी कहते हैं गुरशब्द गुरबाणी नाम सिमरन द्वारा गुरु की मेहर ते कृपा नाल ही निश्चय भरिया ज्ञान प्राप्त होण मगरों ही मनुख की जीवन अवस्था विच परिवर्तन आता है जी। फिर गुरु जी कहते हैं परमेसर ते कोई शंका जां दुख सुख की परवाह नहीं रहती जी। फिर गुरु जी कहते हैं परमेसर वाहिगुरु सिरजनहार करता पुरख सर्वव्यापी है जी
ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋਤ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਜੋਤਾਂ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖੇਲ ਸਮੇਟਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਸਮ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਭੇਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਜੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹਿਮਾਂ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।